आदमी गया हज करने के बाद वापस लौटा तो हमने पूछा भाई साहब हाजी साहब ये बताइए आपने हज करने के बाद मक्का मदीना में जो सबसे बढ़िया लगा वो क्या था। तो 10 मिनट के बाद सोचा उसके बाद बोला हजरत वैसे तो सब ठीक है लगा लेकिन जो सबसे बढ़िया लगा वो ऊंट का गोश्त था। सोच लीजिए 4.5 लाख खर्चा करके ऊंट का गोश्त खाने गया है जबकि मदीने शरीफ जाने के बाद कैफियत ये होती है हर दर्द का एक बाम मदीने में मिलेगा तकलीफ को आराम मदीने में मिलेगा। दिल खोल कर करता है जो मक्के में इबादत बेशक उसे इनाम मदीने में मिलेगा। चराग रोशन है सबके चेहरे मुनव्वर और ताबनाक हैं सबके चेहरे चमक रहे हैं नाते रसूल सुन रहे हैं और आले रसूल का दीदार कर रहे हैं। जरा बोले तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इनकी भी ख्वाहिश है कि रात के किसी भी हिस्से में मुस्तफा की नात हो तो सब गुलामान मुस्तफा के चेहरे पे मोहब्बतों की चमक रहे है कि नहीं। और इनके हुक्म की तामील ना करना एक शायर ने कहा दोषे नबी कयाम है आले रसूल का कितना बड़ा मकाम है आले रसूल का कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। बहुत अच्छी शायरी भाई मोहतरम जनाब अजमत रजा भागलपुरी ने कहा नात शायरी ने की नात जब पढ़ रहे थे मनकबत के मिसरे पढ़ रहे थे मोहतरम भाई सरवर साहब मेरे आकर कान में कुछ कह गए हैं मैं जुबान से इस तरह की बात नहीं करूंगा शेरी मजमुए के तौर पर वो मिसरा पढ़ रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा अब उधर कहाँ जा रहे हैं आप इधर बैठिए बड़ी मेहनत किया आपने आपने तो इतना फोन किया जितना फोन अलकायदा वाला ओसामा बिन लादेन को नहीं किया होगा इतना फोन किया है। अच्छा चलिए अब ये पढ़ने दीजिए इनको पढ़ने दीजिए आले रसूल मौजूद हैं हजरत को खूबसूरत मौजूदगी है और हिंदुस्तान का बहुत अजीम शायर जो बड़े अदब व एकान के साथ नबी की नात पढ़ता है भाई मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब देख रहे हैं चेहरे पे चमक ये नात की बरकत है। ऊपर से ये कि मदीने शरीफ जाने की तैयारी है अल्लाह करे कि सबको मरने से पहले मदीने शरीफ की हाजिरी हो जाए आमीन तो कह दीजिए वरना हमारे इलाके का एक आदमी गया हज करने के बाद वापस लौटा तो हमने पूछा भाई साहब हाजी साहब ये बताइए आपने हज करने के बाद मक्का मदीना में जो सबसे बढ़िया लगा वो क्या था। तो 10 मिनट के बाद सोचा उसके बाद बोला हजरत वैसे तो सब ठीक है लगा लेकिन जो सबसे बढ़िया लगा वो ऊंट का गोश्त था। सोच लीजिए 4.5 लाख खर्चा करके ऊंट का गोश्त खाने गया है जबकि मदीने शरीफ जाने के बाद कैफियत ये होती है हर दर्द का एक बाम मदीने में मिलेगा तकलीफ को आराम मदीने में मिलेगा। दिल खोल कर करता है जो मक्के में इबादत बेशक उसे इनाम मदीने में मिलेगा। थोड़ी सी आवाज दब जा रही है मास्टर भाई आवाज दब जा रही है हम जब चिल्ला रहे हैं ना तो आवाज दब जा रही है थोड़ा ख्याल करें। दिल खोल कर करता है जो मक्के में इबादत बेशक उसे इनाम मदीने में मिलेगा। महका हुआ रहता है हर खार मदीने में है रहमते आलम का दरबार मदीने में महसूस ये होता है कि जन्नत में चला आया जो शख्स पहुंचता है एक बार मदीने में। अल्लाह करे सबको मदीने शरीफ जाना नसीब हो जाए अजीम महफिलों में आप मोहब्बत रसूल में डूब कर इश्क रसूल में जब नात सुनेंगे और लब से सुभान अल्लाह कहेंगे और कहीं कहीं बैठना कबूल हो गया तो यकीन जाने मदीना शरीफ जाना आपके नसीब में आ जाएगा। और इन उलमाए किराम इन आले रसूल की खूबसूरत मौजूदगी में मौला अली के शहजादे यहाँ बैठे हैं खुदा की कसम किस्मत की मेराज है कि आज शहजादे सूफी मिल्लत की शक्ल में उनके चेहरे में हुजूर सूफी मिल्लत का अक्स नजर आ रहा है उनका जलवा नजर आ रहा है। सोचिए जब शहजादे ऐसे हैं तो फिर वालिद कैसे होंगे और वालिद कैसे होंगे तो उनके वालिद कैसे होंगे और फिर अगर उनके वालिद ऐसे होंगे तो बताओ मौला अली कैसे होंगे। खुदा की कसम एक शायर ने कहा था कि मोहम्मद इतनी बहुत है बड़ाई अली की इतनी बहुत है बड़ाई अली की खुदा है अली का खुदाई अली की मोहम्मद के मकतब में पूरी हुई है लिखाई अली की पढ़ाई अली अली मोहम्मद के मकतब में पूरी हुई है। कभी आपको टच नहीं करता मेरी औकात नहीं है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कभी दुआ ना दें यकीनन वसूलों की सौगात होगी नए लोग होंगे नई बात होगी मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। हमको मालूम है इनकी तनख्वाह कम आप लोग देते हैं इसीलिए लोग टेंशन में रहते हैं
तनख्वाह बढ़ाइए अगर आपको नमाज ठीक करना है, समझ रहे हैं। वरना हमारे इलाके में एक इमाम साहब एक जगह फातिहा पढ़ने गए, जब फातिहा पढ़ने गए शिवनी सामने रखी थी, चार अगरबत्ती खड़ा था, 5 रुपया पड़ा था, 10 मिनट के बाद इमाम भी खड़ा था, बोला हजरत इतनी जल्दी फातिहा कैसे पढ़ लिए, बोला 5 रुपये में 2 घंटा पढ़ते रहे। जैसे तेरी शिरनी जैसी चिरागी वैसा फातिहा। इमामों को खुश रखिए, यही इमाम है जिनके बारे में पूरे वर्ल्ड में एक मिसरा मेरा बड़ा मकबूल हो गया। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। हजरत वक्त बहुत कम है, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर एक शेर जो मैंने पढ़ने के लिए इतने माहौल बनाए हैं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दें, नहीं भी देते तब भी पढ़ते। गुलाम नूर मुजस्सम उन्नाव से आए हैं, अजमत रजा भागलपुर से आए हैं, मोहम्मद अली सिद्धार्थ नगर से आए हैं, सैयद शबाहत हुसैन साहब जुनेठा शरीफ से आए हैं, तो मतलब हम भी तो कहीं से आए हैं ना। हाँ बस एक मिसरा सुन लीजिए, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। चचा बैठ जाए, बैठ जाए। जितने अच्छे लोग हैं जरा एक मरतबा मौला अली के नाम पर हाथ उठाकर बोले, या अली। अली का नाम लेने से ताकत में इजाफा हो जाता है, बाजू मजबूत हो जाते हैं, तो आपकी आवाज इतनी कमजोर कैसे हो रही है। अली के लाल बैठे हैं, जरा मोहब्बत के साथ मुस्कुराओ और जी लगा कर पूरा मजमा मौला अली का नाम लेकर दिल से पुकारो, या अली। आवाज लगाओ मोहब्बत के साथ, या अली। अरे तिर के साथ साफ सुथरी जमीन रखते हैं, दिल का शीशा हसीन रखते हैं, तुमको ताकत पे है यकीन मगर हम खुदा पे यकीन रखते हैं। अगर ये सच है तो पूरा मजमा पूरे तेवर के साथ, दिल गुर्दा फेफड़ा सब मजबूत करना है, मौला अली का नाम लो, जी लगाओ और एक मरतबा बुलंद आवाज से कहो, या अली। हर मोहब्बत के साथ, या अली। नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा। बस बस ये मिसरा सुनिए, इधर जितने लोग आराम से बैठे हैं, लग रहा है कि आलू का बोरा रखा हुआ है। थोड़ा आप लोग भी हिलिए, आप लोग भी हरकत कीजिए, सो जाइए तो नींद आ जाएगी। जरा जोर से बोलिए, सुनिएगा, मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा। बहुत बड़ा मिसरा पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम मोबाइल से नजरें हटा लो, सामने चेहरों की जियारत करो, दिल रोशन हो जाएगा। हाँ, वरना मोबाइल देखोगे तो आपकी आंखें खाली हो जाएंगी। रात की अंधेरे में मोबाइल नहीं देखना चाहिए, और वो भी मजलिसे मुस्तफा में जब नबी के लाल बैठे हैं। खुदा की कसम बड़ी किस्मत की मेराज है। सुने आप, नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। जिस चीज को यकीन होगा वही बोलेगा। नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता ही नहीं था नेजे पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता ही नहीं था नेजे पे, यजीदियों को पता ही नहीं था नेजे पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ आले रसूल की मौजूदगी में, जबकि खानकाहे धावा शरीफ की खूबसूरत नशिस्तें यहाँ आबाद हैं, मिंबर शरीफ पर शहजाद गाने सूफी मिल्लत की खूबसूरत जलवागरी है, इनके चेहरे का ज़ियारत करें और हिंदुस्तान के वो मशहूर वो अजीम लहजा जो पूरे मुल्क में शाइस्ता जबान संजीदा जबान पाकिज़ा लहजे से मशहूर है, बहुत खूबसूरत इश्क में नबी की नात, जहाँ से मेरे भाई मोहम्मद रजा भागलपुरी ने मोहब्बतों का सिलसिला मुनक़ता करने की बात अब मुझे माइक हवाले किया, उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का बहुत अच्छा लहजा शायर इस्लाम भाई मोहतरम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम उन्नाव उत्तर प्रदेश की खूबसूरत इस्तकबाल कर लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ही लम्हे के बाद हिंदुस्तान का बहुत अच्छा लहजा मोहतरम जनाब शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी तशरीफ लाएंगे। आज कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में अच्छे अच्छे लोगों का इंतखाब किया है। आइए, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, आप सबकी समातें बेदार है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस गुजारिश करूंगा एक मिनट में कि जो लोग थोड़ा सा पीछे हैं, जो आगे वाली कुर्सी जगह खाली है उसको भर लेते तो अच्छा था। चचा आ जाइए एकदम आधा मिनट में, एक मिनट में आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। दो लोग उधर पीछे खड़े हैं बाबू बैठे हैं, आप लोग भी आगे वाली कुर्सी पकड़ लीजिए। चूंकि ये शायर जितने अच्छे हैं उतना कुछ बोलते नहीं है, बस सिर्फ नबी की नात पढ़ते हैं। आप बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं, जो जगह खाली है उसको भर ले। पीछे वाले आदमी आगे आ जाए, वो पीछे जो बैठे हैं हमारे एक चचा, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे चौकीदार डंडा लेके बैठे हैं। चचा
आ जाए आ जाए, अल्लाह सलामत रखे। चार आदमी और है पीछे, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप। एक दो आदमी इधर बैठे हैं, आप लोग भी आगे बढ़ जाते तो बड़ी मेहरबानी। बैठ गए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चचा उठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए चलिए, अब जल्दी से नारा लगाइए मोहब्बत के साथ। हजरत गुलाम नूर मुजस्सम उत्तर प्रदेश का इस्तकबाल कीजिए मोहब्बत के साथ। आवाज भी बुलंद हो, हाथ भी बुलंद हो। जिनका हाथ ऊपर नहीं उठे समझ लीजिए नीचे हाथ में खैनी बना रहा है। और अगर ये ऐसा हो तो उसको कह दीजिए खैनी का नशा नहीं चाहिए, मुझे मोहब्बत रसूल का नशा चाहिए। है कि नहीं? जरा हाथ उठाए उठाए उठाए। रात के 2 बजे भी लगे कि आपकी समाते नहीं, दिल जमीर दिल, दिल सब बेदार है। और एक मर्तबा नबी के नाम पर हाथों को लहराए, न झंडे की जरूरत, न डंडे की जरूरत, न कपड़े की जरूरत। नबी का आशिक हर वक्त हर जाय से मुस्कुराता है। जरा पूरा मजमा तेवर के साथ नारे तकबीर, नारे रिसाला। खुदा हाफिज, खुदा नासिर, मगर रोजे महशर में वहां तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे फरमाएगा लाओ अपनी उम्मत को, वहां मेरी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह। हजरात, बहुत उम्दा फिक्र फन का खूबसूरत मुजाहिरा मोहतरम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने किया। मोहब्बत से बैठिए, बस 2 मिनट में माइक छोड़ रहा हूँ। और जिसका इंतजार आप कर रहे हैं मैं उन्हीं से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। एक दो आदमी जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, जरूरत होगी। फिलिस्तीन के हवाले से मुख्तलिफ मौजूआत, नातिया, मनकबतिया, शायरी का सिमतो सफर तयन किया। बाद में आकर फिलिस्तीन के हवाले से बच्चों की फाहिश फरमाइश पर 2-3 अशार बड़े अच्छे पड़े, जबकि हकीकत यही है। जुबां पे सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। गुफ्तगू न करें, न करें गुफ्तगू। चचा गुफ्तगू न करें, अगर कुछ बचा है तो खामोश बैठे। जुबां पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। जुबां पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। आप बात करेंगे तो ध्यान डिस्टर्ब होगा। वैसे आप बहुत अच्छे हैं, इस वक्त आप बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी बात है। जुबां पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। जुबां पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। नबी की नाम की ये बरकतें उल्फत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। अगर आप इसी तेवर के साथ अपनी आवाज पहुंचाएंगे तो आवाज पहुंचा दें। गुलामाने नबी हैं, इश्क के जंजीर देंगे हम। कहा आशिक ने अहमद रजा का तीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई अजमत शान रिसालत पर, फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई अजमत शान रिसालत पर, फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम। क्या बात है, मोहम्मद अली साहब से मोहब्बत नहीं है क्या आपको? ये 2 आदमी जा रहे हैं, इन दोनों समझी है क्या? नहीं, समझी हो सकते हैं या होने वाले वाले। दोनों मशवरे से जा रहे हैं, क्या जरूरी है कि एक ही बार दोनों उठे? ये रात भर में 3 बार इस्तिंजा के लिए उठे, ये बीमारी है। हम यहाँ बैठे हैं, एक बार उठे, ये 3 बार उठे, गलत बात है। महफिल में बैठे, मोहब्बत से बैठिए। बहुत अजीम शान मजलिस चल रही है, बहुत खूबसूरत मजलिस चल रही है। ये नौजवानों की पूरी टीम सैयद कौनो मका के शहजादों के दरमियान बैठे हैं, इनके चेहरे का दीदार कर रहे हैं। सुर की तिला और न सरगम में जाएगा, मिजाज और ईमान यही है। सुर की तिला और न सरगम में जाएगा, ये भी गलत की महफिल मातम में जाएगा। निस्बत जरूर लाज बचाएगी हश्र में, इनका गुलाम कैसे जहन्नम में जाएगा? निस्बत जरूर लाज बचाएगी हश्र में, इनका गुलाम कैसे जहन्नम में जाएगा? एक शायर कहते हैं कि वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा। अब ये मिसरा मैं उनके हवाले से पढ़ रहा हूँ, जिनको दिल में जरा सी भी मोहब्बत हुजूर सैयद उबैदुर रहमान साहब की बला की अलही रहमा की है, उनके शहजादे बैठे हैं। जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गए। चचा पहले 100 दिए थे, 50 पे आ गया। चलिए चलिए चलिए, मोहब्बत है मोहब्बत है। ये नौजवानों की पूरी टीम को सलाम करता हूँ, सलामत रहे। बस एक मिसरा मोहब्बत के साथ जरा सा सैयद उबैदुर रहमान अलही रहमा के नाम पर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं क्या? जरा जोर से बोल सकते हैं क्या? इससे और तेज आवाज हो सकती है क्या? जरा पूरा मजमा हाथ लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। ये मिसरा अगर आपके समातों के दरमियान में रख रहा हूँ, थोड़ी सी भी मोहब्बत होगी हुजूर से तो मुझे यकीन है कि आप तलब जाएंगे। वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा, जो गुलामे हजरते मौला अली हो जाएगा।
देखे बाबू देखे माशाल्लाह मेरा भाई मुझको गाड़ी में लेके आया है, इतनी तेज गाड़ी चला रहा था, कसम से लगा कि आज आखिरी जलसा है। मैं बहुत हिसाब से आया हूँ, बच बचा कर आया हूँ, आ गया तो सुन लीजिए मिश्रा पढ़ रहा हूँ। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कभी कभी तो कोई आदमी समझता है हम लोगों को भी। चलिए ये आदमी है जो मुझे समझते हैं। सुनिए सुनिए तरक मोहब्बत के साथ माहौल बेदार है और अब मेरी जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत लहजा जिनको बहुत पहले आना चाहिए था माइक पे, मगर चूंकि लगातार कंटिन्यू मुसलसल मुतवातिर शायरी चल रही है इसलिए हजरत मोहम्मद अली फैजी को थोड़ी देर में ला रहा हूँ, मगर घबराइएगा मत, इंशाल्लाह वो उसी रंग में पढ़ेंगे जिस रंग में 9 बजे रात को पढ़ते हैं। बस ये बिस्तरा सुन ले सैयद उबैदुर रहमान अलैहि रहमा के चाहने वालों के नाम। वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा जो गुलाम हजरत मौला अली हो जाएगा, जिसको दे देंगे सहारा हश्र में सैयद उबैद वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा, जिसको दे देंगे सहारा हश्र में सैयद उबैद जिसको दे देंगे सहारा हश्र में सैयद उबैद वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। आइए मोहब्बत और इत्राब के साथ, लेकिन हम बच्चों से तो नहीं लेते हैं, बच्चों से लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन नहीं लेते हैं तो कसम से सुबह में ठीक नहीं लगता है, इसलिए ये काम कभी कभी हम कर भी लेते हैं। सलामत रहें आप, बहुत अच्छा माहौल बना के बैठे हैं। हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा लहजा मोहतरम जनाब शायर इस्लाम हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब ने जिस माहौल को रंग में आपको रंग दिया है, अल्लाह उनकी आवाज मस्जिद बरकतें अता फरमाए। उसी लहजे का एक खूबसूरत शायर, हिंदुस्तान का बहुत पाकीज़ा लब लहजे का मियारी ज़बान का एक पाकीज़ा लहजा, जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब बैठे हैं, आइए उनका इस्तकबाल कर लीजिए। बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं और जब वो मिलते हैं तो उनसे फायदा हासिल कर लेना चाहिए आपको। आइए जरा हाथ उठा लीजिए, देख लीजिए अगल बगल कौन हाथ नहीं उठा रहा है, मतलब वो सो रहा है। उठाइए हाथ, उठाए हाथ अगल बगल और मोहब्बत के साथ ये एहसास कराएं कि मोहम्मद अली भाई चाहे रात के 2:30 बजे या 3 हम आपको सुनने को तैयार हैं। पूरा मजमा हाथ लहराइए और जो नहीं बोल रहा है कान पट्टी पे जमाइए। कहता है नबी के नाम पर जान दे देंगे, पगला पहले हथवा तो दे। चला पूरा मजमा हाथ उठाओ, नारे तकबीर, नारे